हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड नजर टॉप 10 में आज हम बात करेंगे हनी सिंह की गर्लफ्रेंड के बारे में, दिखाएंगे आपको विपाशा बसु की बेटी देवी की एक झलक और देंगे मृणाल ठाकुर की लस्ट स्टोरीज 2 के बारे में मेजर अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 शो। दोस्तों, इसी साल दिसंबर महीने में हनी सिंह का उनकी वाइफ शालिनी तलवार से डिवोर्स हुआ था और डिवोर्स के महज 2 महीने बाद ही मूव ऑन करके हनी सिंह ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। और हाल ही में दिल्ली के एक इवेंट में हनी सिंह अपनी नई गर्लफ्रेंड टीना थदानी के साथ बाहों में बाहें डालकर चलते हुए दिखाई दिए। मलाइका अरोड़ा ने अपने ओटीटी शो मूव इन विद मलाइका में अर्जुन कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर कहा कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। आज जो इंसान मेरी जिंदगी में है वो मुझे खुश रखता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अन्य स्टार किड्स की तरह ये एक्टर बनकर नहीं बल्कि राइटर एंड डायरेक्टर बनकर। जी हां, कल आर्यन खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बुक का फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, राइटिंग का काम पूरा हुआ, एक्शन कहने का इंतजार नहीं कर सकता। बॉलीवुड एक्ट्रेस विपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। दोनों ने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है और हाल ही में विपाशा ने अपने हस्बैंड करण और बेटी देवी का एक क्यूट फोटो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, ये प्यार है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान डिवोर्स के बाद मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन अपने बेटे अरहान खान को पिकअप करने के लिए एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। KGF कांतारा के मेकर के साथ शाहरुख खान की पैन इंडिया फिल्म को लेकर एक बड़ी और मेजर अपडेट सामने आई है। हुम्बाले फिल्म्स की इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी के साथ एक परफेक्ट कैमियो तैयार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस अपडेट की बात करें तो अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार के दिन दृश्यम 2 ने 2,50,00,000 रुपए, एन एक्शन हीरो ने 90,00,000 रुपए और भेड़िया ने 1,36,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि फिल्म के लिए शाहरुख खान को माचो लुक देना था और उन्हें ऐसा दिखाना था जैसे वो अपने फिल्मी करियर में कभी ना दिखे हों। कई हफ्तों तक हमने शाहरुख खान के लुक के लिए प्लानिंग की और ट्रायल्स किए, तब जाकर पठान में शाहरुख का यूनिक लुक फाइनल हुआ। मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी जल्द ही लस्ट स्टोरीज सीजन 2 में दिखाई देंगे और डायरेक्टर आर बाल्की ने मृणाल और अंगद के साथ शूटिंग भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। फिल्म को अनीस बज्मी डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सलमान खान अभी नो एंट्री में एंट्री की शूटिंग करने के मूड में नहीं हैं। इसीलिए इसकी शूटिंग कुछ समय बाद शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रही हमारे साथ बॉलीवुड नजर में।